स्वभाव जिसका जैसा होता कुछ ना कुछ छाया बनी रहती। एक अध्यापक थे, दिन भर पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, आदत वैसे ही बन गई थी। एक दिन घर में अपने बेटे को डांट रहे थे, वो खेलने गया था तो उससे ये नहीं कहा कि खेलने क्यों गए थे ना। बेटे को बोला इधर आओ। बेटा बोला जी पिताजी। तो बेटे से बोला पहला प्रश्न कहां गए थे, दूसरा प्रश्न किनके साथ गए थे, तीसरा प्रश्न किससे पूछकर गए थे, चौथा प्रश्न आखिर खेलते खेल क्या खेलते हो, पांचवा प्रश्न ये खेल खेलते समय क्या तुम्हारे और जरूरी काम होने थे भी हुए। और बेटा बाप का मुंह देखे क्या। तो पिता बोला घबराओ नहीं, इन पांच प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दे दो। वो जैसे पढ़ाता था वही स्वभाव। एक तांगे वाला था तो लोगों ने रात को ही कह दिया सवेरे हमारी 6 बजे ट्रेन है, हम 5 बजे ही आ जाएंगे और लग जाता है समय। तांगे वाला आया ही नहीं सवेरे खुद, वो सो रहा था जगह किसी तरह। अरे जल्दी करो भाई, 5 बजे से कहा था, 5:15 हो गए और जाने में समय। किसी तरह घोड़ी जोती तांगे में लोगों को बिठाया, थोड़ा चले, घोड़ी की भी विचित्र आदत, थोड़ी चले और खड़ी हो जाए, उससे विचित्र आदत उसकी, जब घोड़ी खड़ी हो जाए तो उसको हांकता नहीं था, नीचे उतरकर घोड़ी के सामने खड़ा होता और डांस करता, नाचता, तब घोड़ी फिर चलती। अब यात्रियों का ये क्या तमाशा है, फिर खड़ी फिर उतरे फिर नाच करे फिर। तो लोगों ने डांट कर पूछा क्या करते हो ये। साहब मजबूरी है, हमारे पास 2 घोड़ियां, एक तांगे में जोती जाती, एक ब्याह बारात में जाती, गलती से ब्याह बारात वाली घोड़ी जोती है, इसको हर 10 कदम पर डांस देखने की आदत है, यह ऐसे ही जाएगी, आदत तो आदत है, क्या करो। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली और दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बाबा जी बने हम, भगवान मिल गए इन्हें। आज तक तो गृहस्थ जाते थे वन में संतों के पास कि हमें भगवान कैसे मिले, आज एक बाबा जी को वन छोड़कर घर में गृहस्थ के पास आना पड़ा भगवान को पाने के लिए। ये भगवान आपकी लीला भी समझ में नहीं आती, तो उनको लगा आखिर इनकी विशेषता क्या है जो हम में नहीं है, इन्हें क्यों मिले। तो परीक्षा लेने लगे। और परीक्षा कैसे ली, अच्छा क्या कहा, राम जी को नहीं दोगे, महाराज कुछ और मांग लो, नाराज मत हो। तो क्या दे सकते हो राम जी के बदले, भूमि ले लो, बस इतनी कीमत की है राम जी की कि राम जी के बदले भूमि दे सकते हो। धैन, ये दो ऐसे भर गए दिमाग में कि 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोलते, मांगो भूमि धैन गांव में बस इतने, धन कोसा दो, विश्वामित्र ने बस इतने ही दे सकते हो। तब दशरथ जी ने रोकर कहा देह प्राण ते प्रिय कछुना है, सो मुनि देव निमि से एक माही। अच्छा प्राण दे सकते हो राम जी को नहीं दे सकते। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तो दे सकता हूं पर राम जी तो मेरे प्राणों के प्राण हैं, उनको कैसे दे दूं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख ला। और जब दशरथ जी ने ऐसे रोकर कहा मेरे प्राण के प्राण को कैसे दूं, बस विश्वामित्र जी समझ गए कि मुझे उत्तर मिल गया है, भगवान इन्हें क्यों मिले। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा।